हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हम लेट करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने ये माना कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन होगा ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में, वो क्या होगा? वो होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो एक्स का कॉफिशेंट हमारा बी है, तो माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो है ए। तो सम ऑफ द ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन में ए होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो है वो सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, ठीक है। तो ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे कि सम ऑफ जो ज़ीरोज़ है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ये लेट किया कि अल्फ़ा और बीटा जो है उसके ज़ीरोज़ हैं। अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो जो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर होंगे, आर दी फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो अगर इसको मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इसके फैक्टर को, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी होगा, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, तो के अगर इसके ब्रैकेट ओपन करूं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, बी से किया तो बी एक्स, अल्फ़ा को एक्स से करा तो माइनस अल्फ़ा एक्स, इसको इससे किया ये माइनस है, ठीक है। तो इसको किया माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से किया तो प्लस अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या है हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखूं के से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा।
अगर अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशेंट ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पर इसका जो है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए है, और यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के है, तो ए इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोफिशेंट ऑफ एक्स कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, तो बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म भी कंपेयर करता हूँ तो सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ हमारे पास है ये वाली टर्म देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ अल्फा प्लस बीटा तो ये के इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो बी अपॉन में माइनस के हो गया, और के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का बी अपॉन में ए, मतलब सम ऑफ जीरोज हमारा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से सी इज इक्वल्स टू दे रखा है के अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा के डिवाइड में आ जाएगा सी अपॉन के, और के किसके इक्वल है ए के, तो के हमारा इक्वल है ए के, तो सी अपॉन में ए। तो यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए। अब बी क्या है, बी हमारा था कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और ए क्या था कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फ़ा और बीटा अगर उसके ज़ीरोज हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज जो होगा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए, जो भी हमने प्रूफ करा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो था ये था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द ज़ीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कॉफिशेंट। इसमें बोला है कि पहले इसके ज़ीरोज निकालने हैं हमें, और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज एंड कॉफिशेंट। तो पहले ज़ीरोज निकाल लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। अगर मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसे सॉल्व करूँ तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आएगा तो x प्लस फाइव आ गया, और इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो टू आएगा कॉमन, तो x प्लस फाइव आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस टू और x प्लस फाइव। ठीक है, अगर मैं इसके ज़ीरो के इक्वल रखूँ x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x हमारा आ गया माइनस टू। इसी तरीके से x प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तो x आ गया हमारा माइनस का फाइव। तो ये इसके ज़ीरोज़ हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मतलब कि अल्फ़ा हमारे पास हो गया माइनस टू और बीटा हमारे पास हो गया माइनस फाइव। अब इसमें बोला था कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कॉफिशेंट। अब वेरीफाई के लिए देखते हैं, हमारे पास जो होता है सम ऑफ ज़ीरोज, सम ऑफ ज़ीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अब माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स, कॉफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ पर है सेवन, तो माइनस सेवन अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो वन आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा था माइनस टू और प्लस बीटा माइनस फाइव, ये भी क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस सेवन, तो इक्वल आ रहा है माइनस सेवन अपॉन वन के। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा माइनस टू इनटू माइनस फाइव, ये तो हमारे पास टेन होता है। अब कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास यहाँ पर टेन दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, तो ये दोनों भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।